तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी नारियल के लड्डू। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हम कोई भी चीनी वगैरह व चाशनी वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे और एकदम हेल्दी स्टाइल में बनाएंगे। मैं आपको 3 से 4 टिप्स बताऊंगा जो कि आप आराम से घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम गुड़। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, आप चाहिए तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पाउडर कर देना है। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 60 ml वाटर। इसे हम चाशनी नहीं बनाना है, ये याद रखिए, बस इसका सिरप बनाना है, जैसा कि मतलब पानी में अच्छा से मेल्ट हो जाए। एक उबाल आने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारा गुड़ जो है बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। वह गैस का फ्लेम जो है ना ऑफ कर देंगे। तो इस लड्डू के लिए पहला स्टेप जो है वो है गुड़ का सिरप, उसे ज़्यादा देर तक बॉयल मत कीजिए। तो अभी हम एक कढ़ाई में ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच घी। आप चाहिए तो देसी घी यूज कर सकते हैं, उससे बढ़िया सा फ्लेवर निकलता है। तो घी गर्म होते हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई नट्स। मैंने लिया है यहाँ पर काजू लिया है 2 बड़े चम्मच और आलमंड बादाम जो है ना वो मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। उसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन अंत तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको साइड कर देना है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ किशमिश 2 बड़े चम्मच और मेलन सीड जो है ना तो उसे भी मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देता हूँ। अगर आप इसे पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं किशमिश और मेलन सीड मैंने बाद में डाला क्योंकि ये जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी हो गया है। तभी सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो ध्यान रखिए गैस का फ्लेम जो है ना एकदम लो होना चाहिए क्योंकि हम इसे जलाना नहीं है, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और इसके साथ मैं डाल देता हूँ खजूर। तो यहाँ पर मैंने सीडलेस खजूर था तो मैंने थोड़ा सा बारीक काट के इसमें डाल देता हूँ। आप चाहिए तो डायरेक्ट भी डाल सकते थे, लेकिन इसका अंदर थोड़ा सा घी का फ्लेवर आ जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पर आखिरी में डाल दिया और इसे मिक्स कर दिया और इसे निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम परफेक्ट है। तो जो घी बच गया है कढ़ाई में उसी घी में हम डाल देते हैं ग्रेटेड कोकोनट, जो बाज़ार में मिलता है ना पैकेट वाला ड्राई कोकोनट, तो वही मैंने यूज किया है आज। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम जो है ना मीडियम और लो में रख के आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद इसका कलर जो है ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो आपको इतना ही भूनना है, इसे ज़्यादा हमको इसे भूनना नहीं है क्योंकि लड्डू का स्वाद जो है ना वो बिगड़ जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक छलनी ले लिया है और जो हमने गुड़ का सिरप बना के रखे थे अभी उसे डाल देते हैं। तो छलनी में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इसमें अनवांटेड थिंग्स होता है, जैसे कि कोई मिट्टी वगैरह बाली वगैरह कुछ भी पाउडर वगैरह होता है तो वो भी निकल जाएगा। और हमारा सिरप भी अच्छा से मिक्स कर देना है ये नारियल के साथ। और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, तो आपको गैस का फ्लेम जो है ना एकदम लो में रख के इसे मिक्स करना है। तो इसे देखिए बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे ना नट्स, तो अभी इसमें हम डाल देते हैं। और ये डालने के बाद है ना आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का अंदर इसे मिक्स करके निकाल देना है और इसे ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं है। आप चाहिए तो अभी गैस का फ्लेम जो है ना अभी ऑफ कर सकते हो। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर, मैंने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच। और इसी स्टेज में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है और इसे बढ़िया सा मिक्स कर देना है ताकि इलायची पाउडर बढ़िया सा मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है लड्डू बनाने के लिए, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गया है। तो अभी हम लड्डू बनाएंगे, तो हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए घी, पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। और ये बहुत ही आराम से बन जाता है, लेकिन गर्मा गर्म मत बनाइए, थोड़ा सा जैसे कि गुनगुना होता है ना वार्म कंडीशन में वैसे थोड़ा सा ले लीजिए। और ये देखिए परफेक्ट लड्डू बन गया है। जिन्हें लड्डू बनाना नहीं आता वो भी बना सकते हैं आराम से, क्योंकि बाइंडिंग होने में ना ये बहुत ही आसान होता है और अच्छा से बाइंडिंग हो जाता है। तो लड्डू का शेप आपका मर्जी, आप जितना छोटा बड़ा कर सकते हो। और इसे आप बाहर भी स्टोर करके रख सकते हो और रोज़ाना एक एक खाइए। इसमें काफ़ी मात्रा में होता है कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और आयरन इसमें भरपूर होता है। आप रोज़ का एक एक लड्डू खा सकते हो क्योंकि इसमें चीनी नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक गुड़ है, तो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे लोग खूब पसंद करेंगे और बड़े भी बहुत ही आराम से खाएंगे। और जब आप मुँह में ये डालोगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, मुँह में मैं सच बोल रहा हूँ। तो आप जरूर ट्राई करके बताइए रेसिपी कैसा लगा। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।